नंबर एक पर आता है, व्यक्ति के भीतर अच्छे गुण होते हैं तो कुछ खराब गुण भी होते हैं। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने अच्छे गुणों को लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन स्वयं की कमजोरियों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए, यानी कमजोरियों को कभी भी लोगों के सामने नहीं आने देना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर दूसरे पर आता है हमारा, हर व्यक्ति का एक मजबूत और कमजोर पक्ष होता है, इस कमजोर पक्ष को कभी लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए, इससे व्यक्ति दूसरों की नज़रों में कमजोर बनता है, लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर तीसरे पर आता है, व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह दुखी होते हैं, इस दुख के पलों को लोगों से छिपाना चाहिए, दुनिया के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहिए, इससे आपको कमजोर समझने लगेंगे जो बाद में आपके कार्यों में बाधा के रूप में सामने आएंगे। नंबर चार पर आता है, किसी को प्यार चुपचाप बिना किसी के बताए करो। नंबर पांचवें पे आता है, जो भी खरीदना है बिना शोर मचाए खरीद लो। नंबर छः पर आता है, पसंदीदा लोगों के साथ ही जियो, बाकी तो टाइम बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मजेदार वीडियो देखने के लिए।